साथियों नमस्कार, मैं गौरव शर्मा फिर से एक बार हाजिर हूँ। साथियों आज 26 मार्च है और अभी शाम के 7 बजे हैं। अभी अभी मैंने अपडेट हुआ हूँ कि कोरोना के जो पेशेंट है क्या उनका नंबर थे 649 के आसपास है, और जो कि सुबह 606 थे। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा इजाफा इसमें जो है नंबर बढ़ते चले आ रहे हैं, इतने बंद के बाद, इतने पूरा देश लॉकडाउन है तो उसके बाद भी नंबर बढ़ रहे हैं। उसकी वजह है कि जो लोग यहाँ से आ रहे हैं विदेश से, कोई सऊदी से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है इटली विटली से, वो बता नहीं रहे हैं कि साहब हम यहाँ से आए हैं। दूसरा वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को धोखा दे रहे हैं, कई बार अपने घर पे पहुँच जा रहे हैं, लोगों को नहीं बता रहे हैं, प्रशासन को नहीं बता रहे हैं। अभी पीलीभीत में मेरे बरेली के पास में पीलीभीत में एक महिला पकड़ी गई है जो कि वहाँ से आई थी सऊदी से, उसने बताया ही नहीं, और उसने आके यहाँ पे उसे मिला के 4 लोग यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए। साथियों अभी तक बरेली में कोई पेशेंट नहीं आया, वो तो मेरे शहर में। इसके अलावा साथियों ये देखा जा रहा है कि जिन लोग को भर्ती किया जा रहा है वो उठ उठ के अस्पतालों से भाग जा रहे हैं। एक लड़का पुणे में मैं देख सुन रहा था कि वो उसे भर्ती किया, वो भागा, अपने दोस्त के यहाँ रुका, उसे इन्फेक्शन करके गया है। साथियों अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से एक और सिचुएशन पैदा हो गई, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। साथियों जो दिल्ली विल्ली में जो इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, गुजरात में है, मुंबई में है, यहाँ पे यूपी बिहार के मजदूर लोग जो है काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। मैं जानता हूँ उत्तराखंड में जो ये इंडस्ट्रियल एरिया सर्कुल है यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो अब क्योंकि कारखाने सारे बंद कर दिए गए हैं लॉकडाउन के मारे, और ये डेली वेज वाले जो मजदूर हैं ये तो डेली कमाते, डेली बेचारे अपने कमाते थे, अपने बीवी बच्चे भी उनके वहीं थे। अब ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो उन्हें यात्रा मालिकों ने क्या किया, 500-600 रुपये पकड़ा दिए कि भैया आप अपने अपने घर निकल जाइए, लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद है, वो जाएँ कहाँ, उनके साथ बीवी, उनके साथ बच्चे हैं, कई दिनों से भूखे हैं, जब रोड पर निकल रहे हैं पुलिस जो है मार रही है, क्योंकि बंद उन्होंने उनकी प्राथमिकता पुलिस की कि भाई बंद कराना है हमको, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो बुरा हाल है। नेट पे वीडियो आ गए हैं और बहुत ज़्यादा जो इस तरह के हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग दिल्ली में हैं या कहीं भी है तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि उनकी मदद करें। अगर मैं वहाँ होता तो मैं ज़रूर मदद करता, जिनके व्यावसायिक संस्थान है, जैसे मेरा पंप है यहाँ, तो मैं अगर वहाँ पंप पे अभी नहीं हूँ, वहाँ पे लोग चालू है, लेकिन वहाँ अगर होता तो मैंने कह रखा कि वहाँ पे जब बंदे आए हैं तो उनको रुकवा दिया, कामरिए रुकते हैं मेरे यहाँ, और वो इनको जो मजदूरा वर्ग है इसको भी मदद की जाए। अगर आपका रोड के किनारे तो कृपया उनकी मदद करें। दूसरा, मैं यहाँ पे एक बात और आपके ध्यान में, पुलिस के जो कर्मी हैं वो कई बार अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जगह जो है खाना पहुँचा रहे हैं, लोग की मदद भी कर रहे हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम ने तो लोगों को राजस्थान बॉर्डर से छोड़ा, गुजरात से मजदूर आ रहे थे। दूसरा, मेरे यहाँ बरेली में लोगों जो पुलिस वाले हैं तो वो लोगों को खाना वाना खिला रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं। इसके अलावा मित्रों कई जगह फोटो ऐसे रहा कि जानवरों तक खिला, लेकिन बहुत सारे जो हैं पुलिस जब मारने पा रही है तो ये नहीं देख रही कि ज़रूरतमंद को मार रही है या किसको मार रही है। कई बार औरत अपनी बीवी के साथ जा रही है, बीवी के साथ जा रहा आदमी उसको पीट रही है, कई बार जो है कोई आदमी राशन लेके आ रहा है उसको पीट रही है। तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ आप लोग थोड़ा पोलाइटली करिए, क्योंकि इससे एनार्की पैदा होगी, जिसको आप पीट रहे हैं बिना छोटी बातों के लिए वो तो अच्छा खासा उसके दिमाग में हमेशा फिट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये हमारी मीडिया इतनी महान है, जब ये वीडियो तो उसके हाथ में लग रही है वो उसको ब्लर नहीं कर रही चेहरे को। अरे भैया कोई रेप करके थोड़ी आ रहा, कोई मर्डर करके थोड़ी आ रहा, उसको ब्लर कर देना चाहिए, वो तो अपने कॉलोनी में अपनी सोसाइटी अपराधी बन जाएगा। हैं, और हमारे जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं वो भी इतना खोपड़ी नहीं है कि दीज आर अवर कंट्री मैन, ये हमारे देशवासी हैं, इनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो हमें इसकी वीडियो वायरल नहीं करनी चाहिए, और मजे ले लेके इसको वायरल कर रहे हैं भाई। अरे कोई वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसको वायरल मत करिए, उसको वो कर दीजिए। और इसके अलावा क्योंकि इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पड़ेगा उनके उन लोगों के ऊपर, ज़्यादातर ये नौजवान घूम रहे हैं ज़्यादातर उनकी है, और हम लोग इस तरह उनको जो है ब्लेम नहीं कर सकते। साथ ही दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखा गया है कि जैसे कि आपके शहर से आपके शहर में अवेयर नहीं है, जैसे कि सब्जी कहाँ मिल रही है, मेडिकल सुविधा बंद है या क्या चीज़ खुली, यही अवेयर नहीं है। अभी परसों में जो है किसी काम से निकला था तो जब मैं आया तो मैंने देखा कि पंप खुले हैं, बैंक जो है खुली हुई हैं, जो ज़रूरत की हाँ सारी चीज़ें खुली हुई हैं। और अगर आप पुलिस वालों को वो बता रहे हैं कि आवश्यक काम से हम जा रहे हैं तो आपको जाने देंगे। कई जगह जो डिलीवरी हो रही है महिलाओं की तो पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, और
यहाँ पे लोग मर रहे हैं तो पुलिस वाले मदद कर रहे हैं कोई किसी के जनाजे वगैरह के लिए। इसके अलावा मित्रों, जैसे कि आज मेरे घर कॉलोनी में सब्जी वाला आया, मेरी कॉलोनी लॉकडाउन है, उस पर सब्जी ठेले वाला आया, सब्जी वाला, तो मैंने उसका फोटो लिया, मैंने उसका फोन नंबर लिया और नाम लिया, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो कॉलोनी के सब में शेयर कर दिया सब जगह। फिर मेरे पास बिग बॉस, ये जो बिग बाजार वालों की लिस्ट आई, उसमें इनकी डिलीवरी हम तक घर तक कर रहे हैं, मैंने सारे वो लिए, अपने दोस्तों सब में शेयर कर दी। तो यूजफुल जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, फालतू की चीज़ें शेयर मत करिए, मज़े मत लीजिए, मज़े लेने वाला टाइम नहीं है। देश में थर्ड फेज चालू हो चुका है, ये कोरोना जो जिससे हम लोग सब डर रहे थे कि इतने मरीज जो 600 बढ़ गए हैं, और टच वुड, भगवान ना करे आगे बढ़े, लेकिन जो है आसार ये लग रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, थर्ड फेज चालू हो गया, हम लोग बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसमें मज़े लेने वाली बात नहीं है। खुश रहिए, ठीक रहिए, लेकिन ये है कि यूजफुल बनिए। दूसरा साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि YouTube पे मास्क बनाने की और सैनिटाइज बनाने की पूरी वीडियो पड़ी है। जूही परमार जो कुमकुम सीरियल की हीरोइन थी, उन्होंने वीडियो डाली, बहुत अच्छी वीडियो है। ये जो पेपर है, ये जैसे बैग है, इसका जो कपड़ा यूज है, इससे बन रहे हैं जो मास्क है, और बहुत बढ़िया वीडियोज हैं उसमें, आपको बिल्कुल जाएगा। अगर हमारा देश में और ज़्यादा ये बढ़ती है तो हमें मास्क की जरूरत पड़ेगी, हम अगर ज़्यादा बन जाते हैं तो भाई और देशों को भी भेज सकते हैं। तो कृपया वीडियो देखें, खाली टाइम को यूटिलाइज करें, मैं घर में सफाई कर रहा हूँ, और मैं भी कल से देखता हूँ इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही बनते हैं आपको दिखाऊंगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो टाइम का यूटिलाइज करिए, कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए जिससे हमारे उसको नुकसान हो रहा है, देश को, या फिर हमारी अपने कंट्रीमैन को, अपने देशवासियों के जो है नुकसान हो रहा है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा कोरोना के संकट में। आपका मित्र गौरव।